आज मेरे साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की नहीं, आज एक महिला जिसके साथ बदसलूकी हुई है वो जुड़ रही हैं। स्वाति मालीवाल जी, आपका टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत पे बहुत बहुत वेलकम है और मैं जानती हूँ आपके लिए ये कितना कठिन समय रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू दीज डेज। मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी, आप कोप कैसे कर रही हैं? मैम, बहुत डिफिकल्ट है। मैंने दिल्ली महिला आयोग में 170,000 केसेस हैंडल करे हैं 9 साल में, और मैं कई हज़ारों सर्वाइवर्स से मिली हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हों, असॉल्ट के हों, सेक्सुअल असॉल्ट के हों। और वो सब एक बात बताते हैं कि एक बड़ी घबराहट होती है, एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है आफ्टर द अटैक एंड फॉर मेनी डेज, और आप बहुत लो फील करते हो। और मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब कैसे होता होगा, कितना दर्द होता होगा, पर जब मेरे साथ खुद के साथ हुआ तब जाके मैं समझ पाई हूँ। एवरी डे जब से अटैक हुआ है, 6 बजे के करीब मेरी नींद खुल जाती है, मैं हार्डली 2 या 3 घंटे सो पा रही हूँ, और मैं जैसी उठती हूँ आई वेक अप विद अ वेरी वेरी सिक फीलिंग इन माई स्टमक। मतलब मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही है, और मेरे को लाइफ में कभी एंग्जाइटी नहीं हुई। आई एम फीलिंग सो ट्रामेटाइज्ड, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली शैटर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने साल दिए अपनी ज़िंदगी के, और जिन लोगों के साथ मैंने इतना काम किया, आज उन्होंने मुझे इतनी समस्या के वक्त में मुझे पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया। आप 2006 से हैं, जो मैंने देखा है, पढ़ा है आपके बारे में, आप जब परिवर्तन एक एनजीओ था तब से साथ लिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि वो समय और आज के समय में क्या बदल गया, इतना क्या बदल गया? जी, 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी। मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में गई, उनका काम देखा, और मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली। मुझे सूचना के अधिकार पे काम करना था, और मैंने परिवर्तन में काम करना शुरू करा। और हम लोग 4 या 5 लोग ही होते थे उस वक्त, और मैं तब से हूँ। मैंने अगले 10 साल मैं थी, मनीष जी तो खैर कबीर ऑर्गेनाइजेशन में थे वहाँ पे उस वक्त, मैं थी, संतोष थी परिवर्तन में, और अरविंद जी थे, और 1-2 लोग और थे, और फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी कबीर जिसमें मनीष जी थे, और 3-4 लोग और थे। तो ये इतनी छोटी सी टीम को मैंने ज्वाइन किया, और मैंने कोई अपना जॉब छोड़ दिया था। अगले 10 सालों तक मैं वॉलंटियर किया, 7 ईयर्स मैं खुद वॉलंटारिली झुग्गियों में रही हूँ, सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहकर सूचना के अधिकार पे आंदोलन करती थी। राशन के आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया, लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे मैंने काम किया, तो बहुत मेहनत करी है। और जब हम तब काम करते थे तो हमारा आइडियलिज्म बहुत अलग लेवल पे था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के बीच में रहकर जिस तरीके की एनर्जी हमें मिलती थी, जिस तरीके के इनपुट्स हमें मिलते थे, जिस तरीके के फीडबैक हमें मिलते थे, वो हमें बहुत बहुत अच्छा इंसान बना के रखते थे, ऐसा मैं मानती हूँ। पर आज जो हम बन गए हैं, क्योंकि पावर और पैसा जब आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत अहंकार आता है। आज मैं जब देखती हूँ अपने आसपास, तो जिन लोगों के साथ मैंने इतनी मेहनत करी है, और जिन लोगों के साथ मैंने इतना काम किया है, आज उनका जो एटीट्यूड है वो मेरे को उसमें काफ़ी सारे इश्यूज दिखते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि जनता से हम दूर हो रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याएं समझ के उसके ऊपर काम करें। और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि 2006 से जिस मूवमेंट को, जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीना दिया है, आज वो इस मुकाम पे खड़ी होगी, आज मैं वहाँ पे होंगी कि मुझे मुख्यमंत्री जी के घर में बुरी तरीके से पीटा गया, लात घूंसे थप्पड़ों से पीटा गया, और फिर भी ना तो वो मेरे साथ होंगे और
पूरे पार्टी में ऐसे मैसेज दिया जाएगा कि कोई भी, अगर एक भी इंसान इसके साथ दिख गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं. तो आई फील वेरी लेट डाउन, आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, आई फील वेरी हर्ट, एंड ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया.